यूपी की धरती पर एक और कुंभ आज से शुरू हो गया है। यूपी के अलग अलग गांवों से करीब 50,000 किसान, देश विदेश से आए वैज्ञानिक उद्यमी लखनऊ में इस कृषि कुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और यूपी के सांसद के नाते भी ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आपके सुख दुख का साथी बनकर के आपकी विकास यात्रा के लिए हर हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करता रहूं। कुछ महीने पहले कृषि उन्नति मेले के दौरान मैंने बृहद किसान मेले लगाने की सलाह दी थी। इसका ही विस्तार आज हम कृषि कुंभ के तौर पर देख रहे हैं। इस उत्तम प्रयास के लिए मैं योगी जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मैं इजराइल और जापान की सरकारों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो इस आयोजन में हमारे पार्टनर है। वही पार्टनर राज्य के रूप में हिस्सा ले रहे हरियाणा को भी इस आयोजन से बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, कुंभ शब्द जब भी किसी आयोजन के साथ जुड़ता है तो उसका महत्व और व्यापक हो जाता है। कुंभ एक तरह से मानवता का, विचार का, विमर्श का एक अनंत अंतर प्रवाह है। मुझे विश्वास है कि इसी परंपरा, इसी भावना को ये कृषि कुंभ साकार करेगा और आने वाले 3 दिनों में कृषि क्षेत्र के को बेहतर बनाने के लिए तकनीक और अन्य अवसरों का नया रास्ता खोलेगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस मेले में लगभग 200 स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें किसानों को नई तकनीक की जानकारी दी जा रही है, कृषि से जुड़ी नई मशीनें वहां रखी गई हैं। मुझे विश्वास है कि जो भी किसान यहां आएगा वो इससे लाभान्वित होगा और उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित करने में भी किसानों को मदद मिलेगी। साथियों, देश भर में खरीफ का सीजन करीब करीब पूरा होने जा रहा है। सभी किसान भाई बहन आजकल बहुत व्यस्त हैं। इस बार भी रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है। यूपी तो वो जगह है जहां के मेहनती किसानों द्वारा देश के खाद्यान्न का लगभग 20% उत्पादन किया जाता है। इसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। देश भर की मंडियों में धान और दालों समेत तमाम फसलों की खरीदारी आज चल रही है। मुझे बताया गया कि प्रदेश के अनेक हिस्सों में इसके लिए व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। इस बार तो किसानों को जो मूल्य मिल रहा है वो नए समर्थन मूल्य के आधार पर मिल रहा है। आप सभी की जानकारी में है कि सरकार ने रबी और खरीफ की 21 फसलों के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है।
इन फसलों पर अब लागत का कम से कम 50% सीधा लाभ किसान को मिले ये तय किया गया है। साथियों, यूपी के किसान जहां उत्पादन का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो योगी जी की सरकार किसानों से खरीद के भी रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है और इसके लिए मैं योगी जी की सरकार को बधाई देता हूं। अब गेहूं का ही मामला ले लीजिए। गेहूं के मामले में इस बार करीब करीब 50-55 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पहले की सरकार में यही खरीद मात्र 7 या 8 लाख मैट्रिक टन हुआ करती थी, यानी करीब करीब 7-8 गुना किसानों से खरीदारी करके उनको सही दाम मिले, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार ने की है। यही नहीं, ये जो खरीदारी की गई है ये ई उपार्जन यानी तकनीक के माध्यम से सीधे किसान से की गई है, जिससे बिचौलियों को हटाने में भी मदद मिली है। साथियों, ये बदलाव सिर्फ धान और गेहूं की खरीद में ही नहीं बल्कि गन्ने की खरीद प्रक्रिया को लेकर भी परिवर्तन स्पष्ट दिख रहा है। इस सीजन का करीब 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। इतना ही नहीं, पिछले बका